अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अच्छा, ये है मेरा एपिप्रेनम पिनाटम मार्बल का प्लांट। बहुत ही खूबसूरत ग्रो हो रहा है। और ये देखें, इस तरीके का ये प्लांट होता है। बहुत छोटा सा प्लांट है, अगर आप नेट पर जाके देखें एपिप्रेनम पिनाटम एल्बो, इसका नाम मैं टाइटल में भी आपको नज़र आ जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं कि किस तरीके का ग्रो होता है। फ़र्स्ट टाइम मैं इस प्लांट को ग्रो कर रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता उन प्लांट्स के अपडेट्स दिखाऊँगा जो कि थाईलैंड से मैंने जो आए हैं, थाईलैंड से मैंने ख़रीदे थे, ताकि हमें पता चले कि उन प्लांट्स की कैसी परफॉर्मेंस आती है। तो आज का ये फ़र्स्ट प्लांट जो कि थाईलैंड से आया था और मैंने इसको अपने पास से जो कि हमारा नॉर्मल पॉटिंग सॉइल होता है उसके अंदर लगाया। मैंने कोई इसको स्पेशल पॉटिंग मीडिया नहीं दिया कि पीट मॉस या फुल कोकोपीट, इस तरीके से नहीं, क्योंकि मेरे पास कोकोपीट में, सिर्फ और सिर्फ कोकोपीट में इतने अच्छे परफॉर्मेंस नहीं आती प्लांट्स की। इसलिए मैंने इसको बहुत लाइट वेट, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत लाइट है, ठीक है, बहुत हल्का वज़न है इसका। लूज सॉइल, पानी ऊपर से डालता हूँ नीचे से ड्रेन हो जाता है, उस तरीके से इसका मैंने पॉटिंग मीडिया बनाया है। इसके अंदर कोको चिप्स मौजूद हैं जो इसके साथ आए थे, कोको चिप्स, और ज़्यादातर पार्ट इसके अंदर खाद का है, वर्मी कंपोस्ट का है, माइनर सा पार्ट सॉइल का है, गार्डन सॉइल और पमिस जो आपको नीचे नज़र आ रही है, ये ठीक है ड्रेनेज के लिए। तो इस तरीके से इसका पॉटिंग मीडिया मैंने तैयार किया है, बहुत एक्सेलेंट है, ड्रेनेज है, पॉटिंग मीडिया अच्छा लूज़ है, प्लांट इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अब तक खुश है। और इसके देखें, ये नया लीफ ही निकला है मेरे पास यहीं पर, दूसरा ये लीफ निकल रहा है, ठीक है, कैमरे में अगर आ गया होगा ये लीफ निकल रहा है। और ये है मार्बल, इसमें एल्बो भी आता है, मेरे पास मार्बल है। आई होप कि ये जैसे जैसे बड़ा होते जाएगा, ये एक मिनट कैमरा सही कर लो, इस तरीके से इसका पैटर्न बनते जाएगा। देखते हैं इसमें अल्लाह ताला इसको कैसा ग्रो करके देते हैं मुझे। तो बस ये इस तरीके से जारी है और इसकी परफॉर्मेंस अल्हम्दुलिल्लाह सही जा रही है। सोचा जिसको मैं दिखाऊं, तो ये मैंने परचेज़ किया था मार्केट में इस वक्त इस प्लांट की, इसमें दो लीव्स और होंगे, ठीक है। तो इसकी करंट प्राइस इस वक्त मार्केट में 4,000, 4,500, इस तरीके से ये सेल हो रहा है। अब इसको देखते हैं कि मेरे पास कैसे जाता है। ये जैसे थोड़ा सा और ग्रो होगा तो इसको फिर मैं एरियल रूट्स अब निकलना शुरू हो जाएंगी, तो मैं इसको किसी स्टिक पे लगा दूंगा ताकि इसकी एरियल रूट्स सहारा लेके ऊपर चढ़ना शुरू कर दें और फिर इसकी परफॉर्मेंस में मज़ीद इम्प्रूवमेंट आएगी। तो ये है मेरा एपिपेनियम पिनाटम मार्बल, एक खूबसूरत सा प्लांट। अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों के पास ये कैसा ग्रो हो रहा है। मैं इसको फर्स्ट टाइम ग्रो कर रहा हूँ, कुछ सजेशन देना चाहें इस बारे में तो इस प्लांट के हवाले से तो मुझे ज़रूर बताइएगा, बाकी देखते हैं। तो ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो इस खूबसूरत से प्लांट के लिए। फिर नेक्स्ट प्लांट में देख रहे होंगे बाकी किसी और प्लांट के बारे में जो कि मैं थाईलैंड से लेकर आया था कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि और भी बहुत सारे प्लांट्स अभी रिमेनिंग है उनकी वीडियोज़ आप देख सकें।